So we are going to discuss about the paranasal air sinuses. If you see, para is around. Okay, wait, I will. क्या हो गया, डायग्राम ही हिल गया. जस्ट अ सेकेंड. सो पैरा नेजल साइनसिस, आई हैव गिवन यू अ क्लू अबाउट दीज व्हेन वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द क्रैनियल कैविटी. नाउ इफ यू सी, पैरा मींस अराउंड, नेजल इज नोज, साइनसिस यू नो ब्लाइंड सैक विथ वन ओपनिंग. अभी तुम अगर देखो, ये नेजल कैविटी का ओपनिंग है. इसके आजू बाजू में पैरा, मतलब ये इधर देखो, ये एंटीरियर इथमोइडल एयर साइनस है. ठीक है, दिस थ्री. उसके बाद ये तुम्हारा आंख है, यहां पे तुम्हारा आंख है. ठीक है ना, अभी तो समझ में आ जाएगा ना. थोड़ा बहुत फनी पिक्चर है, लेकिन अब समझ लो. नाउ आई एम यूजिंग अगेन रेड कलर टू शो दिस मिडल इथमोइडल एयर साइनस. कैन यू सी दिस वन? पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनस पीछे रहता है. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट देर आर फोर एयर साइनसेस, पैरानेजल एयर साइनसेस. वन इज फ्रंटल, सेकेंड इज मैक्सिलरी, थर्ड इज इथमोइडल, एंड फोर्थ वॉट वी नो इज स्फिनोइडल. इथमोइडल इज हैविंग थ्री पार्ट्स. इट इज एंटीरियर इथमोइडल, मिडल इथमोइडल, पोस्टीरियर इथमोइडल. इस डायग्राम में हमको फ्रंटल नहीं दिखेगा, क्योंकि फ्रंटल सामने है. ये जो सेक्शन है, टू टेल यू दिस ओरिएंटेशन ऑफ दिस डायग्राम, दिस इज अ कोरोनल सेक्शन. दिस इज अ कोरोनल सेक्शन. तुम्हारे सामने एक आदमी खड़ा है, तुमने उसके कोरोनल सूचर से सेक्शन पास कर दिया, तो तुमको ये सामने से ऐसा दिखेगा. तो ये उसका इंटीरियर व्यू है. तो ये उसका सुपीरियर हो गया, ये उसका इंफीरियर हो गया. और आई विल यूज येल्लो कलर नाउ. ये उसका सुपीरियर हो गया, ये उसका इंफीरियर हो गया. ये तुम्हारा लेफ्ट मतलब उसका राइट हो गया, और उसका लेफ्ट उसका, तुम्हारा राइट मतलब उसका लेफ्ट हो गया. समझ में आया? यू ओरिएंटेड योरसेल्फ विद द डायग्राम. नाउ इफ यू सी, दिस इज अ नेजल कैविटी. आई हैव ऑलरेडी शोन टू यू नेजल कैविटी. ओके, ये आई एम टॉकिंग अबाउट वन साइड, सेम इज देयर ऑन द अदर साइड. इट इज ऑल मिरर इमेज. ओके, नाउ दिस मैक्सिलरी एयर साइनस, कैन यू सी आई पुट इट इन येल्लो. दिस वन, दिस इज द बिगेस्ट एयर साइनस, पैरानेजल एयर साइनस. दिस इज द बिगेस्ट पैरानेजल एयर साइनस. सो एमसीक्यू पूछते हैं विच इज द बिगेस्ट पैरानेजल एयर साइनस, ऑप्शन देते हैं. सो एक ये साइड में, दूसरा ये साइड में, तो वन पेयर ऑफ पैरानेजल एयर साइनस. अभी तुम देख लो, ध्यान से देख लो ये डायग्राम. तो व्हाट ऑल वी डिस्कस, फ्रंटल एयर साइनस मैं तुमको दूसरे डायग्राम में दिखाऊंगा, नीचे वाले में. ये तुमको दिख रहा है क्या इधर, ये फ्रंटल एयर साइनस तुमको दिख रहा है ये नीचे वाले डायग्राम में? मैं तुमको फिर से दिखाऊंगा, ओरिएंटेशन मिल जाएगा अच्छा सा. अच्छा, तो एक सेकेंड. तो वी सॉ दिस, वी हैव सीन द मैक्सिलरी एयर साइनस. मैक्सिलरी नाम कैसे पड़ा? तो मैक्सिला के बोन में, तुमको मालूम है ना. ये देखो, ये नीचे हार्ट पैलेट है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है. तुम्हारे नाक के कैविटी के नीचे माउथ का कैविटी है. माउथ के कैविटी का रूफ किससे बना है? हार्ट पैलेट से. व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस स्कल, आई टोल्ड यू टू एक्सपेरिमेंट. यू पुट योर फिंगर इन टू योर माउथ एंड ऊपर टच करने का तो हार्ड पैलेट लगता है, थोड़ा सा आगे जाने का तो यू विल फील द सॉफ्टनेस, दैट इज सॉफ्ट पैलेट. ओके, सो हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट. ये किससे बना है हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट? ये मैक्सिलरी एयर साइनस से बना है. बराबर है, मैक्सिलरी एयर साइनस से बना है. और एयर साइनस नहीं, सॉरी, मैक्सिला बोन से बना है. मैक्सिला बोन है, करेक्ट. और मैक्सिला बोन में मैक्सिलरी एयर साइनस है. वो एयर साइनस मैक्सिला बोन में, इसलिए उसको मैक्सिलरी एयर साइनस नाम पड़ गया. इथमोइड बोन में, इसलिए उसको इथमोइडल एयर साइनस नाम पड़ गया. अभी हमने जब देखा था फॉर्मेशन ऑफ नेजल सेप्टम, देन वी हैड सीन दैट हाउ, वी हैड सीन दैट हाउ द नेजल सेप्टम इज फॉर्म्ड विथ ऑल द डिफरेंट बोन्स. तो जो बोन जिधर, अभी ये नाक के अंदर, नाक के आजू बाजू में सब कार्यक्रम चालू है ना, तो जिस बोन से नेजल सेप्टम बना है, उसी बोन से आजू बाजू का नाक का एरिया बना रहेगा. यस और नो? वी डिस्कस दैट इन डिटेल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्कल. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द फेशियल बोन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑर्बिटल कैविटी, द नेजल कैविटी, द ओरल कैविटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इफ यू सी दिस नेजल कैविटी, इट इज फॉर्म बाय, ये नेजल सेप्टम को तुम रिकॉल करो. आई कैन नॉट ड्रॉ द डायग्राम हियर बिकॉज देयर इज नो स्पेस ऑन द स्क्रीन. सो यू विल रिकॉल, और आई विल ड्रॉ इट. वेट, आई विल यूज ब्लू कलर. तो इफ दिस वॉज योर नेजल सेप्टम, तो इफ यू रिकॉल, नाउ आई एम यूजिंग ग्रीन कलर. ये आगे यहां पे क्या था? फ्रंटल बोन का एक स्पाइन था. उसके बाद यहां पे बीच में क्रिब्रिफॉर्म प्लेट था. क्रिब्रिफॉर्म प्लेट किसका है? हमको मालूम है, इधर से ऑल फैक्ट्री नर्व्स के रूटलेट्स आते हैं.
क्रिब्री फॉर्म प्लेट किससे बना होता है? इथमॉइड बोन से, और यहां पे पीछे स्फेनॉइडल एयर साइनस था। डू रिकॉल, सी दिस इज द एंटीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर, दिस इज द सुपीरियर एंड दिस इज द इंफीरियर। सो यहां पे स्फेनॉइडल एयर साइनस था। स्फेनॉइडल एयर साइनस क्यों? स्फेनॉइड बोन था। स्फेनॉइड बोन इधर कौन है? ऊपर पिट्यूटरी फोसा है, उसके बाजू में कैवर्नस साइनस। यू कैन कनेक्ट ऑल दिस थिंग्स। तो इधर नीचे में हमने क्या देखा था? ये आगे वाला जो हाफ है, ऑलमोस्ट दिस हाफ, सी दिस हाफ, दिस वॉज फॉर्म बाय द कार्टिलेजिनस पार्ट। और ये नीचे वाला जो बोन था ये वोमर से बना था, और ये जो ऊपर वाला बोन है दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमोइड। डू यू रिकॉल परपेंडिकुलर प्लेट? ये देखो मैंने यहां पे लिखा है, यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड व्हाट आई विल डू, आई विल इरेज ऑल दीज लेबलिंग सो दैट यू कैन सी द एक्चुअल। ओके, नाउ कैन यू सी दिस? सी व्हाट आई हैव रिटन, दिस ग्रीन कलर आई एम पुटिंग अप हियर। कैन यू सी इट इज व्हाट? सी दिस लेबलिंग, इट इज द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द इथमोइड बोन। आर यू एबल टू मेक इट? और नीचे वाला पार्ट किससे बना है? ये इट इज द वोमर, दैट इज द नेजल सेप्टम का पार्ट है। समझ में? आर यू एबल टू कोरिलेट दिस व्यू एंड दिस व्यू? आई होप यू आर एबल टू कोरिलेट। ओके, सो दिस इज हाउ। तो इथमोइड बोन ऊपर का हाफ है ना, परपेंडिकुलर प्लेट, तो ये इथमोइड बोन के एरिया में, इसलिए उसको क्या नाम है? इथमोइडल एयर साइनस। एंटीरियर में, इसलिए एंटीरियर पोस्टीरियर में जो पीछे रहेगा, जो इस व्यू में नहीं दिखेगा, वो पोस्टीरियर, और मिडल जो है वो मिडल इथमोइडल एयर साइनस। हैव यू अंडरस्टूड? जिस एरिया में जो साइनस है उसका वो नाम है। अब इधर ऊपर फ्रंटल बोन के उधर रहता है, आई विल यूज ब्लू कलर नाउ। फ्रंटल बोन के उधर, इधर जो एयर साइनस है फ्रंटल बोन में, ये यहाँ पे जो तुमने देखा ना स्पाइन के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ स्पाइन है विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेजल सेप्टम फॉर्मेशन। और स्पाइन के ऊपर क्या है? तो एक सेकेंड ना सर, डायग्राम हिल गया यार। ओके, तो स्पाइन के उधर फ्रंटल एयर साइनस है, तो दैट इज फॉर्मिंग द फ्रंटल बोन, इज फॉर्मिंग द फ्रंटल एयर साइनस। मैक्सिलरी बोन इज फॉर्मिंग द मैक्सिलरी एयर साइनस। इथमोइडल बोन इज फॉर्मिंग द इथमोइडल एयर साइनस। एंड स्फेनॉइड बोन इज फॉर्मिंग, ये पीछे वाला जो इधर है तुमको दिख रहा है, मैंने अभी सर्कल किया है, स्फेनॉइडल इज फॉर्मिंग द स्फेनॉइडल एयर साइनस। तो जो बोन, जिस बोन में वो साइनस है उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? उसका, उस बोन के नाम पे साइनस का नाम दे दिया है, एयर साइनस। एयर मतलब एयर साइनस, साइनस मतलब मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज साइनस। साइनस मींस अ ब्लाइंड सैक विद वन ओपनिंग। तो वन ओपनिंग कहां पे? तो वो सारे है ना अपने, उनके जो सारे ओपनिंग्स है वो नाक के अंदर है। ये नाक के अंदर है, कैसे? नीचे वाले डायग्राम में आई विल शो, आई विल इरेज ऑल दिस एंड आई विल स्क्रोल द डायग्राम टू डाउन। यू ऑलरेडी सीन दिस डायग्राम, डू यू रिकॉल दिस? दिस इज द लैटरल वॉल ऑफ द नोज, ठीक है ना, लैटरल वॉल। तो नाक के बाजू में अगर मैक्सिलरी साइनस है तो इट विल ड्रेन इन द लैटरल वॉल ऑफ द नोज, नॉट इन द नेजल सेप्टम, यस और नो? सो यू रिकॉल दिस डायग्राम, आई विल गिव यू द ओरिएंटेशन। दिस इज द एंटीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर, दिस इज द सुपीरियर, दिस इज द इंफीरियर, दिस इज द लैटरल वॉल ऑफ द नोज। कौन सा साइड है? राइट साइड का है। तुमने नेजल सेप्टम निकाल के तुम लेफ्ट साइड में से देख रहे हो, तुम्हारे बाजू में ऐसा खड़ा है बंदा, तुमने उसको सजाइटल सेक्शन लिया है। समझ में आया तुमको? सजाइटल सेक्शन लिया है। Now what you can see, if you see, this is the frontal air sinus, इधर का spine है जो septum बना रहा था। अब ये septum नहीं, ये lateral wall है, तो ये frontal air sinus, तो left side में एक है, right side में एक, they are forming one pair of frontal air sinus. This is draining in what? Do you recall this? This is the naso, do you recall this? This is the, what is the name? Can you tell? See, I have written here frontonasal duct. फ्रंटो मतलब फ्रंटल एयर साइनस में से निकल के नाक में आ रहा है उसका डक्ट, दैट इज द फ्रंटो नेजल डक्ट। और कहां पे ओपन हो रहा है? ये जो हायाटस सेमिलुनारिस है, मैंने उस दिन, व्हेन आई टॉट यू अबाउट लैटरल वॉल ऑफ नोज, आई डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल। सी व्हाट डिड आई टेल, दैट देर आर थ्री कॉन्का इन द नोज। आई विल यूज नाउ येल्लो कलर। सी दिस इज द सुपीरियर कॉन्का, दिस इज द मिडल कॉन्का, दिस इज द इंफीरियर कॉन्का। हर कॉन्का से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स है, ओपनिंग्स है। कॉन्का ये कट किए हुए, कॉन्का मतलब ऐसा, अभी ये जो सुपीरियर एंड मिडल कॉन्का दे आर दी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स, बट दिस इंफीरियर कॉन्का इज हैविंग द, आई मीन द म्यूकोस एंड ऑल दिस अबाउट इट, एंड इनसाइड देर इज इंफीरियर कॉन्का बोन। वी सॉ दैट देर आर, देर इज वन पेयर ऑफ इंफीरियर कॉन्का विच फॉर्म्स द, आई मीन विच इज वन वन पेयर इन द सेवन पेयर ऑफ द स्कल बोन्स। यू रिकॉल देम? देर आर सिक्स पेयर, टोटल 14 फेशियल बोन्स है, 22 स्कल बोन्स है। 22 स्कल बोन्स में से 8 बोन्स क्रेनियल बोन्स है, 14 बोन्स ये फेशियल बोन्स है। 14 में से 6 जो है वो पेड है, 2 जो है वो अनपेड है।
एक वोमर और एक मैंडिबल, ये दो अनपेड है, बाकी 12 बोन बचे 14 में से, फेशियल बोन्स में से, वो 14 में से सॉरी 12 में से, 12 मीन्स सिक्स आर सिक्स पेयर, सिक्स पेयर मीन्स आउट ऑफ दैट वन पेयर इज दिस इंफीरियर कॉन्का. नाउ इज इंफीरियर कॉन्का इज रिलेटेड टू वॉट, नेजो लैक्रिमल डक्ट. नेजो लैक्रिमल मतलब लैक्रिमल, तुम्हारा जो आंखों में से जो आंसू निकलता है उसका जो अपैरेटस है, लैक्रिमल अपैरेटस, उससे रिलेटेड ये नेजो लैक्रिमल, मतलब वो आके इधर नाक में भी ड्रेन करता है. ओके, एंड इफ यू सी दिस हायटस सेमिलुनारिस, व्हाट इज इट, सी, तो ये दिस नेजल लैक्रिमल डक्ट इज रिलेटेड विथ व्हाट, इन्फीरियर कॉन्का से उसका रिलेशन है. ये मिडल कॉन्का जो है उसके थोड़ा सा नीचे क्या, इधर एक एलिवेशन है, एलिवेशन, उसका नाम है बुला इथमोइडलिस. ये एलिवेशन इथमोइडल बोन के रीजन में है, इसीलिए उसका क्या नाम है, बुला इथमोइडलिस. ठीक है, उसमें क्या लिखा है, बुला इथमोइडलिस, इट्स अ एलिवेशन. ठीक है, इट्स अ एलिवेशन, बुला मीन्स एलिवेशन. सो स्पीड ब्रेकर लाइक एलिवेशन है, तो एलिवेशन के नीचे क्या रहेगा, थोड़ा ऐसे डिप्रेशन लाइक रहेगा, तो मैं इधर रेड कलर यूज कर रहा हूं, ये डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा. वो सेमी लूनार शेप में है, सेमी मतलब आधा, लूनार इज मून, तो हाफ मून ऐसा चंद्राकार. तो ये इधर ऊपर ये क्या हो गया, ये बुला इथमोइडलिस हो गया, आई हैव पुट इट इन रेड, शेडेड इन रेड. नीचे क्या होगा, सेमी लूनारिस. ये हायटस, हायटस मैंने खड्डा, हायटस मीन्स खड्डा, यू कैन सी हायटस. ओके, हायटस मीन्स खड्डा. तो सेमिलुनारिस, हायटस, सेमिलुनारिस में तीन ओपनिंग है, तीन ओपनिंग है. नाउ आई एम यूजिंग ग्रीन कलर. तो वन ओपनिंग विच इज इन द एंटीरियर मोस्ट डायरेक्शन, दिस एंटीरियर मोस्ट डायरेक्शन, ये कौन सा है, ये फ्रंटो नेजल डक्ट का ओपनिंग है, फ्रंटो नेजल डक्ट का, समझ में आया. और दूसरा जो है दिस सेकेंड ओपनिंग, इट इज ऑफ द एंटीरियर इथमोइडल एयर साइनस. और तीसरा जो ओपनिंग है, दैट इज द ओपनिंग ऑफ द मैग्जिलरी साइनस, दैट इज द ओपनिंग ऑफ द मैग्जिलरी साइनस. थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लेबलिंग कर देता हूं, आई विल यूज द हाइलाइटर. सी, एंटीरियर इथमोइडल एयर साइनस, मैग्जिलरी एयर साइनस, और ये ओपनिंग ऑफ द नेजल एयर, नेजल एयर साइनस बोले तो फ्रंटो नेजल एयर साइनस. समझ में आया, ये तीन जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किए, दीज आर स्ट्रक्चर रिलेटेड टू वॉट, द इन्फीरियर सॉरी द मिडल नेजल कॉन्का, दैट टू मोर स्पेसिफिकली इट इज रिलेटेड टू हायटस सेमिलुनारिस, हायटस सेमिलुनारिस. समझ में आया. तो नाउ वी सॉ व्हाट, टिल नाउ वी सॉ फ्रंटो, आई मीन द फ्रंटो नेजल डक्ट, दैट इज द फ्रंटल एयर साइनस से रिलेटेड. दूसरा हमने देखा मैग्जिलरी साइनस का ओपनिंग देखा हमने, इधर एंटीरियर इथमोइडल का ओपनिंग देखा, उसके बाद में हमने मिडल इथमोइडल एयर साइनस का ओपनिंग देखा, जो कहां पे, ये बुला इथमोइडलिस के ऊपर, वो जो एलिवेशन है उसके ऊपर उसका ओपनिंग है, हमने ये देख लिया. तो आउट ऑफ फ्रंटल, मैग्जिलरी, इथमोइडल और क्या बचा, इथमोइडल एंड योर स्फीनोइडल, वी हैव सीन अबाउट फ्रंटल, वी सॉ मैग्जिलरी ऑफ इथमोइडल, वी सॉ एंटीरियर, वी सॉ पोस्टीरियर, वी सॉ मिडल. नाउ वी हैव लेफ्ट ओनली दैट इज स्फीनोइडल. नाउ इफ यू सी दिस स्फीनोइडल, इफ यू सी दिस स्फीनोइडल एयर साइनस, स्फीनोइडल एयर साइनस इज प्रेजेंट इन द स्फीनोइड बोन. डू यू रिकॉल दिस, यस्टरडे आई टोल्ड यू. सो दिस इज पिट्यूटरी फोसा, ये स्फीनोइड बोन में पिट्यूटरी फोसा है. और इधर तो दिस इज दिस अपर ट्राइंगल विच इज द स्फीनो इथमोइडल रिसेस, और ऑल्सो नोन एज द ट्राइंगुलर फोसा. आई विल यूज द हाईलाइटर. इट स्फीनो इथमोइडल रिसेस ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्राइंगुलर फोसा, ऑल्सो कॉल्ड एज द सुप्रीम ट्राइंगल. सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर. तो ये सबसे ऊपर इधर क्या है, इधर एक्चुअली ये तुम्हारा इंफीरियर नेजल कॉन्का है, ये इधर इंफीरियर सॉरी सुपीरियर नेजल कॉन्का है. उसके अंदर, उसके नीचे किसका ओपनिंग है, पोस्टीरियर इथमोइडल का ओपनिंग है. दिख रहा है तुमको, मैंने यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी शोन, जस्ट वन मिनट, आई हैव इरेज्ड इट, जस्ट गिव मी वन मिनट. सी दिस इज द सुपीरियर सुपीरियर नेजल कॉन्का, उसके नीचे जो ओपनिंग है वो किसका है, पोस्टीरियर इथमोइडल का है. और ये जो ऊपर है, ये जो सुप्रीम ट्राइंगल जिसको बोलते हैं, और ट्राइंगुलर फोसा, और दैट इज ट्राइंगल किसका है, इथमोइड बोन, स्फीनोइड बोन, और ये सुपीरियर नेजल कॉन्का. तो इसके अंदर ओपनिंग होता है स्फीनोइडल एयर साइनस का. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वी हैव सीन द एयर साइनसेस, पोजीशन ऑफ द एयर साइनसेस, द फोर एयर पैरानेजल एयर साइनसेस एंड दे आर ओपनिंग. आर यू डन विद दिस? आर यू डन विद दिस? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, नाउ वी विल गो इन डिटेल अबाउट, वी विल गो इन डिटेल अबाउट ईच साइनस. हर एक साइनस का हम थोड़े में डिटेल देखेंगे. उसके पहले तुम एक ये जान लो, द वेरी पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ व्हाई दिस एयर साइनसेस आर देयर. मेरे को एक बात बोलो, एयर साइनसेस को अगर हमने हड्डी से भर दिया, इफ यू फिल इट विद द बोन,
दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, वॉट विल हैपन, द वेट ऑफ द स्कल विल इंक्रीज, यस और नो? इफ द वेट ऑफ द स्कल इंक्रीजेस देन इट विल, आपका गर्दन दुखेगा ना, आप सिर के ऊपर 5 किलो वजन रखो तो योर नेक विल पेन. सो टू मेक द स्कल लाइटर, टू मेक द स्कल लाइटर, दीज एयर साइनसेस आर प्रेजेंट. ओके, सेकेंड थिंग, दीज पैरानेसल एयर साइनसेस, मतलब दे आर फिल्ड विथ एयर एंड सम सिक्रीशंस. ओके, सम सिक्रीशंस बट मेजरली एयर. सो एयर मीन्स वॉट? दे आर एयर कंडीशनिंग द नोज, दे आर द एयर कंडीशनर्स ऑफ द नोज. Creator has created the natural air conditioners for the nose, and they will humidify and warm the air entering in your respiratory tract. Nostrils में से जब आप, external nostrils में से आप जब सांस खींचते हो, when you breathe out, you put your hand in front of your nose, you will feel that the breath you are breathing out, it is, the air you are breathing out, it is warmer. So we were talking about the functions or why or the significance of these air sinuses, and as I already told you that it is making your skull lighter, it is the air conditioner for your nose. So if you, it is humidifying and warming up your air that enters the respiratory system, kyunki bahar ka air thanda rehta hai and when you breathe in it becomes warm, and this work is done by the air conditioners of your nose, that is by these paranasal air sinuses. One more thing is that it adds resonance to your voice. If you go and shout in a open room where there is nothing, okay, open room in the sense, just there is nothing in that room, only it's just a room. If you go and speak there, it will resonate. So when we are speaking, there is resonance, and this is, they are also called as resonating chambers. And last and not but the least, but these are more developed in the males, and they give a male counter to the face of the male, especially the maxillary air sinus. Tumne dekha nakacha bajula tumhala ithe kadhi kadhi dukhta when you are having cold and cough. When you are having cold and cough, at that time ithe nakacha bajula, if you, the cheek, I mean just below your eyes and just next to your laterally to your nose, you feel pain. And when you tell at home, they will say in Marathi, they will say kaf chadle tondamadhe, hai ka nahi? They will say this way. So there is nothing but that is actually the sinusitis, what has happened, infection of the maxillary sinus, and that is why it pains. So that maxillary sinus is well developed in the males. I mean, it is there in the females also, but to give the male counter, you can differentiate between the face of the male and the female, right? So to give that male counter to the face of the male, these maxillary sinuses are more developed in the male in that way. So we saw the functions. One more thing, the secretions pouring in the nose. So these are due to the ciliary movement of the secretions in the nose. During inspiration, there is negative pressure, so it happens. And in gravity, because of gravity, for example, say this is the frontonasal sinus. Ye frontonasal sinus hai. I mean frontal air sinus hai, frontonasal duct hai. So gravity ki wajah se niche aa jata hai. Okay. And if you see the ethmoidal, if you see this ethmoidal, see not sphenoidal, you cannot say sphenoidal. See sphenoidal ka opening upar hai aur yahan niche secretion rahega. How can it travel this way up? It cannot. बट इथमोइडल ऊपर रहेगा, उधर से नीचे आता है, दिस वे इथमोइडल एयर साइनसेस आर देयर, दे विल कम डाउन, दे आर दैट वे. एंड मैक्सिलरी साइनस आल्सो, इफ यू सी, इट कैन नॉट कम. हाउ? इफ यू सी दिस इज योर नोज कैविटी एंड हियर इज योर मैक्सिलरी, ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, वेट, हियर इज योर मैक्सिलरी साइनस. सो यू सी द सिक्रीशंस विल गेट एक्यूमुलेटेड हियर, वेन दे रीच दिस लेवल देन ओनली दे विल गेट ड्रेन्ड, अदरवाइज दे विल नॉट गेट ड्रेन्ड. So then there is a procedure which you have to do to drain this externally. You have to drill this. There are 2-3 procedures. We will discuss them in the applied anatomy. Okay. Now what I will do, I will explain. So I hope you have understood the significance. What is the significance of these paranasal air sinuses? PNAS, paranasal air sinuses. Okay. Now we will discuss one by one. In very briefly, we will discuss the frontal air nasal, frontal, all these sinuses one by one. Okay, now I will stop the screen share and now we will go,
वी विल गो फॉर अ वन सेकेंड. सो शेयर व्हाइट बोर्ड नाउ. कैन यू सी अ व्हाइट बोर्ड? कैन यू सी अ व्हाइट बोर्ड? गिव मी अ रेस्पॉन्ड, यस और नो. हेलो हेलो हेलो. ओके, इज इट विजिबल? व्हाइट कलर व्हाइट बोर्ड. ओके, आई एम राइटिंग समथिंग विद ब्लैक पेन. इज इट विजिबल नाउ? आई हैव रिटन समथिंग. इज इट विजिबल नाउ? ओके, वी विल इरेज इट नाउ. इफ यू सी, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट द फ्रंट. फर्स्ट वी विल गो फॉर द फ्रंटल साइनस. ओके, तो वन सेकेंड, आई विल थिकन इट. ओके, तो फ्रंटल एयर साइनस. नाउ फ्रंटल एयर साइनस वी ऑलरेडी सॉ, दिस इज दी, सी हियर इज द, दिस इज द फ्रंटल बोन, दिस इज द फ्रंटल एयर साइनस एंड लाइक दिस इट गिव्स द काउंटर टू योर फेस. इधर ये आगे नाक बनाएगा इधर जाके, और ये तुम्हारा ऊपर क्रेनियल फोसा, क्रेनियल कैविटी, करेक्ट. सो दिस इज योर इथमोइडल बोन, पीछे इधर स्पिनोइड बोन, एंड दिस योर नेजल सेप्टम और नेजल कैविटी, वॉट एवर यू कैन से. अंडरस्टूड? एंड इट कम्स एंड ड्रेन्स हियर. नाउ कमिंग फॉर द डायमेंशंस, इट इज 2.5 easy to remember, 2.5 by 2.5 by 2.5 centimeters in what you call in the dimensions. Okay, 2.5 2.5 and 2.5. now if you see, it is in the frontal bone. You have to write all these easy points only, what you have already known. Okay, it lies deep to the superciliary arch on the medial aspect. Now what is this? See, superciliary arch मतलब ये आंख है ऐसा, और इधर सामने फ्रंटो नेजल एयर साइनस है, आई मीन सॉरी फ्रंटल एयर साइनस है. तो ये जो सुपर सीलियरी आर्च है ऑफ द ऑर्बिट, ये सुपर सीलियरी आर्च के ऑन द मीडियल एस्पेक्ट. सी, दिस इज द पर्सन, दिस इज द लैटरल, दिस इज द मीडियल, यस और नो? सो दिस इज योर ऑर्बिट. इधर आंख है, ये आंख के ऊपर तुम्हारा थोड़ा सा ऐसा एलिवेशन टाइप रहता है, दैट इज द सुपर सीलियरी आर्च. Are you understanding? Superciliary arch. See, superciliary arch. I have shown in yellow. So, superciliary arch ke medial aspect mein kya hai? Frontal air sinus. So, you are giving the location. Now, they are usually of unequal size. Ek chota sa, ek mota sa. Thoda sa, jaasta farak nahi. But they are of the average dimensions of 2.5 into 2.5 centimeters. Manje length, width, breadth hai 2.5 centimeters. Okay. And it opens in the anterior end. See, we saw this was the anterior, this was the posterior. Come to this diagram. Just one second. Oh, this is the pointer. Okay. Here is this. So, come to this diagram. If you see, this is the superior concha, ye middle concha, aur niche inferior concha. Ye middle concha ke idhar bulla ethmoidalis hai, aur uske niche kya hai? Your hiatus semilunaris. ओके, हायटस सेमिलोनाइस. तो उसके सबसे एंटीरियर वाले पॉइंट में उसके तीन, देयर आर थ्री ओपनिंग्स, राइट, यू रिकॉल देम. सो दिस एंटीरियर मोस्ट इज नथिंग बट इट इज दी, आई एम शोइंग डॉटेड बिकॉज इट इज बिहाइंड द लैटरल वॉल, बाजू से आता है उधर से. तो इट इज द फर्स्ट ओपनिंग इज द ऑफ द फ्रंटो नेजल डक्ट विच इज ड्रेनिंग द सिक्रीशंस ऑफ द फ्रंटल एयर साइनस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्रेविटी इज हेल्पिंग इट. अंडरस्टूड? Very simple. You have to just write the location, dimensions, where it is, and from where it is draining, and where, which part. Simple. Understood? Now we will clear this all my drawings. Now, if you see, we will discuss about maxillary air sinus. Okay, maxillary air sinus. I think I will need a different, another pointer, because this is not comfortable for me. Okay, maxillary air sinus. तो मैक्सिलरी एयर साइनस अगर आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, वी लॉस्ट द मीटिंग. या इफ यू सी दिस मैक्सिलरी एयर साइनस, ओके, मैक्सिलरी एयर साइनस इज द लार्जेस्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज द लार्जेस्ट एयर साइनस. ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस द लोकेशन एंड इट्स डायमेंशन 3.5 into 2.5 into 3.5. ये दिस इज ऑल थेरोटिकल, आई यूजली डोंट लाइक टू डिस्कस ऑल दिस, बट बिकॉज टूडे आई हैव इट, I am discussing it with you. All this is theoretical. But this is important when, if you are an ENT surgeon and if you are operating a maxillary sinusitis patient,
a tonsillitis patient, I mean, here you don't, here it is not tonsil. Here, if you are treating some sinusitis patient, if you are draining the pus or the secretions formed in the sinusitis patient, at that time you need to know all these dimensions. One centimeter, one millimeter can cause a lot of damage if you go left or right this way, because it's a sophisticated system, right? Okay, this is pyramidal in shape. Now I will draw a small diagram. Wait, just a second. I will draw a small diagram for you. See here. Okay. So if this is the orbit, okay, this is your nose. So here you have this air sinus. It is like this. Yes, I am drawing of the left side. This is the anterior view. Tumhi manchala asa samur patai. Like this, you are viewing the person. Okay. This is the orbit of the person. Either upper frontonasal air sinus rahega. Okay. Now, your orbit ke either kaisa, it's a pyramidal in shape. This way it is actually. I am drawing a 2D pyramid. Try to understand. So, this here, it is the apex of the pyramid. Okay. This is the apex of the pyramid. And this is the base of the pyramid along the lateral wall of the nose. This is the lateral wall of the nose, and along this, this is the base of the maxillary air sinus. And I hope you have got this. So this is how is the position. Hey, pyramid manje kaya tara tumhala hey, apex ithe. I hope you are able to imagine. See this pyramid shape. This is the front of the pyramid and this is the back side part. Are you able to imagine this pyramid? Now I hope you can see. See, this is the apex. This is along the, this is how it's the pyramid. Okay. So this is how is the shape. Now I told you the dimensions. I told you the shape. Now I will tell you that how you have to write its, I mean location. So it is the pyramidal in shape with the base. It is pyramidal in shape with the base, which is towards the lateral wall of the nose. Yes or no? It is, this base is towards the lateral wall of the nose. Understood? Simple. And it opens in the posterior most part of the lower part of the hiatus semilunaris. Just now the previous diagram we discussed. Wait, I will clear this all. I will clear this all. Just now we discussed that diagram. Do you recall that diagram? Just 1 minute. Just now we discussed. See, this is the nose. And here is the frontal air sinus. This is superior, middle, and inferior. So either this is bulla ethmoidalis, here you have the hiatus semilunaris, and anteriorly, anterior most you had the frontonasal duct. Phir beech mein kya tha? Beech mein kaun sa opening tha? Anterior ethmoidal and posterior most. See, this is anterior, this is posterior. This posterior most opening is of what? It is of the maxillary air sinus. Bazulai. So this is, we are viewing of the other side. Manje right side. आपण लेफ्ट साइड कडून पाहतोय, हे राइट साइड चं लॅटरल वॉल आहे, त्याच्या पलीकडे काय मॅक्झिलरी एअर सायनस. सो दॅट ओपनिंग इज कमिंग फ्रॉम लाइक दिस बिहाइंड. अँड दिस बुला इथमॉडल इज, व्हॉट इज इट इज ओपनिंग? इट इज हॅविंग द ओपनिंग ऑफ द, इट इज हॅविंग द ओपनिंग ऑफ द मिडल इथमॉडल एअर सायनस. अंडरस्टूड? सो वी डिस्कस नो इथमॉडल, मिडल इथमॉडल इज हियर, अँटीरियर इथमॉडल इज हियर, अँड पोस्टिरियर इथमॉडल इज वेअर? इट इज हियर, जस्ट बिलो द, आय मीन नॉट ऍक्च्युली हियर, it is just below the superior concha. Here, opening of the posterior ethmoidal air sinus below the superior concha. So we discussed, in this only we discussed about ethmoidal air sinus also. And sphenoidal, I have already told you, here peche sphenoidal bone, sphenoidal air sinus, it drains here. This is the supreme triangle. This triangle is formed by the, this sphenoidal bone, this ethmoidal bone, and superior concha. And here is the opening of the sphenoidal air sinus. Understood? Here you can say just anteroinferiorly to the cella persica, sphenoidal air sinus is present. You can explain it. Anteroinferiorly, this cella persica, to the cella persica, you have the sphenoidal air sinus, which drains into the supreme triangle or the triangular fossa, also known as the spheno-ethmoidal recess. Sphenoid bone, ethmoid bone, yanchi recess. Recess means zaga, spheno-ethmoidal recess. And by the duct of the sphenoidal air sinus. Understood? Simple to understand. So we have seen in detail about all these. Okay.
नाउ इफ यू सी, नाउ हियर ऑल्सो यू कैन राइट वन मोर थिंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिलरी एयर साइनस. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिलरी एयर साइनस, यू नो यू कैन मेंशन अ फ्यू थिंग्स. आई विल टेल यू. वन थिंग इज इट इज द फर्स्ट पैरानेजल साइनस विच डेवलप्स एम्ब्रियोनिकली ड्यूरिंग डेवलपमेंट. इट इज द फर्स्ट पैरानेजल एयर साइनस टू डेवलप. सेकेंड थिंग इज द रूफ. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी डिस्कस एक्चुअली वेरी शॉर्टली. इधर ऊपर आंख का ऑर्बिट है, इधर फ्रंटल एयर साइनस है, एंड हियर वी डिस्कस दैट दिस मैक्सिलरी एयर साइनस इज देयर. इट इज द बेस इज अलोंग द लैटरल वॉल ऑफ द नोज एंड इट इज लाइक दिस. यस, दिस इज द. नाउ व्हाट यू कैन से, यू कैन से द रूफ ऑफ द, जस्ट अ मिनट, आई विल यूज येल्लो कलर. सी रूफ, व्हाट यू सॉ सेड दैट बेस इज फॉर्म, बेस इज अलोंग द लैटरल वॉल ऑफ द नोज. नाउ यू कैन से अपेक्स, यू सेड दैट इट इज अलोंग दिस एक्सिस, एंड रूफ of this maxillary air sinus is formed by the base of the orbit. H a roof manje as you are standing on this, as I told you yesterday, a second floor hai, a first floor hai. Tar second floor cha roof, second floor cha floor manje first floor cha roof jala ki nahi. This way you can describe to elongate your answer to tell the actual anatomical position. And lower by the floor of the floor is formed by what? See, this is all in the maxillary bone. इथे नाकाच्या काय, कॅव्हिटीच्या खाली काय, हार्ड पॅलेट आहे, हार्ड पॅलेटच्या खाली काय, ओरल कॅव्हिटी. सो फ्लोर इज फॉर्म्ड हियर, दिस फ्लोर इज फॉर्म बाय द अल्व्युलर प्रोसेस ऑफ द मॅक्झिला. ओके, अल्व्युलर, वी दिस इज, इफ यू स्टडी द बोन ऑफ मॅक्झिला इन डिटेल यू विल अंडरस्टँड अल्व्युलर प्रोसेस ऑफ मॅक्झिला. अँड इट इज, सी दिस गॅप, सी दिस, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मेन इन सर्जरी. सी दिस इज द हार्ड पॅलेट and this is the floor. This gap is 1 centimeter. I mean 1 centimeter. How? I will tell you. See, this nasal cavity to idhar khatam ho gayi. Ye nasal cavity ke niche bhi jata hai. Ye nasal cavity is ending here, but this maxillary sinus extends below. Alag alag shat. How much below? 1 centimeter. अलग अलग शब्द. ये नाकाची कॅव्हिटी ते संपली, पण मॅक्झिलरी सायनसचे जे बेस आहे हे अजून 1 सेंटीमीटर खाली आहे. दॅट इज वाय इट इज डिफिकल्ट फॉर द ड्रेनेज ऑफ द सिक्रिशन्स ऑफ द मॅक्झिलरी सायनस इन टू द नोज. अँड दॅट इज वाय मॅक्झिलरी सायनोसायटिस इज व्हेरी मच कॉमन. मॅक्झिलरी सायनोसायटिस इज व्हेरी मच कॉमन. अँड द अनसिनेट प्रोसेस अँड ऑल दॅट, द फर्स्ट डायग्राम वी सॉ, यू कॅन गो इन टू द डिटेल ऑफ दॅट. I'll not go in detail of that. And now we will discuss about the last sinus, that is the sphenoidal sinus. If you talk about sphenoidal sinus, we have discussed about the sphenoidal sinus. See, sphenoidal air sinus. Sphenoidal air sinus. Now, sphenoidal sinus, you know it is there. Just now we discussed sphenoidal air sinus in that section. I don't want to draw again and again and bore you, so you understand this, how you are going to write. See, it is in the body of the sphenoid. To understand this, you have to study the bone of sphenoid. Then you will understand which is the greater wing of sphenoid, lesser wing of sphenoid. We know that sphenoid is the butterfly shaped bone. So greater wing of sphenoid, body of sphenoid, and lesser wing of sphenoid, etc. So usually, again, this also is unequal in size, separated by the septum and opens in the sphenoethmoidal recess, or also called as the supreme meatus. Okay, inferior concha cha khali inferior meatus asta nakacha, middle concha cha khali middle meatus asta, superior concha cha khali superior meatus asta, superior concha cha varti you have the supreme meatus or the lateral wall of nose. Now what are the relations? Relation hai pituitary cha ithe hai na. You recall this pituitary is here, and this is the, I will use yellow color. This is the sphenoidal, and here it is the pituitary pituitary fossa. So, pituitary fossa is the optic chiasma. Do you recall yesterday we were discussing, this is the pituitary fossa. This was the cavernous sinus, like this.
यस और नो? हियर देर वॉज ऑप्टिक कायाज्मा, देन थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, फिफ्थ नर्व एंड सिक्स्थ नर्व, यू सॉ लाइक दिस. डू यू रिकॉल द डायग्राम? एंटीरियर व्यू कोरोनल सेक्शन, हियर यू हैव द ऑप्टिक कायाज्मा. ती ऑप्टिक कायाज्मा इथे समोरच होते, आलं का लक्षात? इट इज हॅपनिंग हियर ओनली. दिस इज ऍक्च्युली 2D, आय एम शोईंग यू 3D, जस्ट अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेईंग. बट ऑप्टिक कायाज्मा इज हियर. सो सुपीरियरली दिस स्फिनॉइडल रिसेसिस, स्फिनॉइडल एअर सायनस इज हॅविंग ऑप्टिक कायाज्मा. अँड व्हॉट सुपीरियरली? हायपोफायसिस सेरेब्री, दॅट इज नथिंग बट पिट्युटरी ग्लँड. लॅटरली म्हणजे त्याच्या बाजूला काय आहे? इंटरनल कॅरोटिड आर्टरी अँड केवर्नस सायनस. नाव आर यू एबल टू गेट? सी केवर्नस सायनस आय एम शोईंग ब्लू. केवर्नस सायनस इथे बाजूला आहे, हे पिट्युटरी फोसा आहे, याच्या बाजूला आहे. आणि या पिट्युटरी फोसाच्या इन्फिरियरली, याच्या इन्फिरियरली आणि याच्या समोर कोण आहे? स्फिनॉइडल एअर सायनस. असं वी आर ड्रॉन दिस डायग्राम. डू रिकॉल? स्फिनॉइडल एअर सायनस याच्या खाली इन्फिरियरली अँड अँटिरियरली इट इज देअर. सुपिरियर हु इज प्रेझेंट? दिस पिट्युटरी फोसा. सो सुपिरियर टू दिस स्फिनॉइडल सायनस यू हॅव द पिट्युटरी फोसा. मग याच्या बाजूला कोण झालं? केवर्नस सायनस. लॅटरली केवर्नस सायनस मधून इंटरनल कॅरोटिड आर्टरी जाते, बरोबर आहे. सो ह्याच्या लॅटरल रिलेशन मध्ये कोण आला? स्फिनॉइडल एअर सायनस के लॅटरल रिलेशन मध्ये कोण आ गया? इट इज द इंटरनल कॅरोटिड आर्टरी अँड द केवर्नस सायनस. अँड सिक्स क्रेनियल नर्व विच पासेस फ्रॉम इयर. सिक्स क्रेनियल नर्व. अंडरस्टूड? आर यू एबल टू इमॅजिन दिस? ओके. सिम्पल इनफ? ओके. नाव आय विल रिमूव्ह ऑल दिस. नाव वी विल गो फॉर दी अप्लाइड एनाटॉमी. व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड व्हेरी वेरी सिंपल. एंड इफ यू आर ईएनटी सर्जन यू मस्ट नो ऑल दिस. फर्स्ट इज इन्फेक्शन ऑफ द नोज, ऑफ द साइनसेस, सॉरी, दैट इज साइनोसाइटिस. साइनोसाइटिस मीन्स इट, देन इट कॉजेस कैन बी हेड एक, परसिस्टेंट एंड थिक. वॉट विल हैपन? परसिस्टेंट एंड थिक प्यूरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, नाक गलते सारख. रेडियोग्राफी एंड ट्रांसिम्युलेशन रिवील द ओपेक. म्हणजे कसं होणार? इफ यू डू रेडिओग्राफी इन बिटवीन, वेन वी हॅड प्लॅन टू ऑर्गनाइज द सुश्रुत वानवीज प्रोग्राम, यू रिकॉल दॅट आय हॅव टोल्ड यू दॅट यू टीच मी एनाटॉमी, आय टेल यू सर्जरी. यू टीच मी एनाटॉमी, आय टेल यू रेडिओलॉजी. बिकॉज रेडिओलॉजी, इफ यू नो दी एनाटॉमी अँड इफ यू नो दॅट इन लँग्वेज ऑफ द रेडिओलॉजी हाऊ यू हॅव टू लेबल दॅम, नेम दॅम, इट इज व्हेरी इझी अँड टू अंडरस्टँड रेडिओलॉजी इफ यू अंडरस्टँड द लँग्वेज. ओके, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायग्नोसिस, डिफरेन्शियल डायग्नोसिस ऑन बाय सीईंग द रेडिओग्राफिकल रिपोर्ट. आय एम टॉकिंग अबाउट लर्निंग रेडिओलॉजी सिम्पली. ओके, इफ यू नो दी त्याची परिभाषा जर का तुम्हाला कळली की याला व्हॉट इज ओपेक, व्हॉट इज हायपरटेन्स, व्हॉट इज हायपोटेन्स, डिफरंट मोडॅलिटीज ऑफ रेडिओग्राफी, देन यू कॅन अंडरस्टँड रेडिओलॉजी इफ यू नो एनाटॉमी. कुठल्या पार्टला काय म्हणतात हे तर माहीत पाहिजे ना एनाटॉमीमध्ये. सो यू कॅन अंडरस्टँड दॅट. नाव इफ यू सी दिस सायनोसायटिस, व्हॉट विल हॅपन? If there is sinusitis, if there is purulent and thick discharge in the sinuses of your nose, then paranasal sinuses of your nose, then what will happen? It will give a transillumination, I mean opaque, you will see that opaque on the radiograph. On transillumination and radiography, you will see that as opaque, the sinuses. Then as I already told you that maxillary air sinus, it is most commonly infected. Most commonly affected is maxillary air sinus. बड़ा भी है और लार्जेस्ट भी है. एंड डिफिकल्टी इन ड्रेनिंग, नो, बिकॉज इट इज 1 सेंटीमीटर बिलो द नेजल कैविटी. दिस नेजल कैविटी इज एंडिंग हियर. दिस इज हार्ड पैलेट एंड माउथ हियर एंड बट दिस इज एंडिंग हियर 1 सेंटीमीटर बिलो द, आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1 सेंटीमीटर बिलो. सो दिस ड्रेनिंग इज डिफिकल्ट. इथे इन्फेक्शन पस भरणार सगळं आणि मग ड्रेन नाही होणार, मग क्या होणार? इन्फेक्शन होत जाणार, हे ब्लॉक होऊन जाणार. हे ब्लॉक झाल्यावर ड्रेनच नाही होणार. देन यू हॅव टू पंक्चर अँड डू दॅट. नाव व्हॉट इज दॅट? आय विल टेल यू. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, लिसन टू मी व्हेरी केअरफुली. दिस इन्फेक्टेड नोज, इट कॅन ऑल्सो कॉज टूथ केरीज. दिस इन्फेक्शन, सी, नॉट टूथ केरीज, आय एम सॉरी, व्हॉट आय वॉन्ट टू से इज दॅट हे मॅक्झिलरी सायनोसायटिसचं जे कॉज आहे, कशामुळे होऊ शकतं? नाकात तुमच्या इन्फेक्शन गेलं, नाकामध्ये तुमच्या इन्फेक्शन गेलं लाईक दिस. ओ, व्हॉट हॅपन? Suppose infection enters in your nose, it can get transmitted to, I will use red color, infection is getting transmitted to your nose, from there it can go to maxillary sinus. Ite khalich oral cavity hai, barobar hai, khalich oral cavity hai. What has happened? One second. Okay, ite khalich oral cavity hai, barobar hai, oral cavity hai.
ओरल कैविटी मध्ये दात असतात, दातामध्ये डेंटल केरीज होऊ शकतात, अँड इफ देर इज डेंटल केरीज दॅट इन्फेक्शन कॅन ऑल्सो गेट ट्रान्समिटेड टू द मॅक्झिलरी सायनस. सो दीज आर दी मेन कॉजेस ऑफ मॅक्झिलरी सायनोसायटिस, इन्फेक्शन फ्रॉम दी नोज ऑर डेंटल केरीज. नो व्हॉट यू विल डू, सी इट इज डिफिकल्ट टू ड्रेन. वाय? बिकॉज इट इज लोअर टू द लेवल ऑफ द फ्लोअर ऑफ द नेझल कॅव्हिटी. सो नेझल हे वरती आहे, नेझल फ्लोअर, आणि हे खालती आहे, त्यामुळे ड्रेन करणं अवघड आहे. त्यामुळे आपण सर्जिकली सर्जिकली वी गो बाय टू मेथड्स. वन इज अँट्रल पंक्चर, वन इज अँट्रल पंक्चर, सेकंड इज कॉल्ड एज द, वन सेकंड आय विल इरेज दिस, दिस इज वर्स्ट. सेकंड इज कॉल्ड एज, व्हेरी इम्पॉर्टंट, इफ यू आन्सर, इफ यू राईट दिस वर्ड, आय मीन इफ यू राईट दिस मेथड इन युअर पेपर, एक्झामिनर विल से बेस्ट, ही विल से बेस्ट कॉल्डवेल लुक ऑपरेशन और मेथड, कॉल्डवेल लुक ऑपरेशन और मेथड. इट इज व्हेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर युअर, इफ यू आर डूइंग ईएनटी प्रैक्टिस. आई डोंट नो इफ देर मॉडिफाइड फॉर्मेट्स ऑफ द ड्रेनेज ऑफ दिस साइनोसाइटिस और दिस पस, बट व्हाट, सी आई विल टेल यू व्हाट इज दिस प्रोसीजर. इन दिस एंट्रल पंक्चर व्हाट डू यू डू, यू नो, यू मेक अ होल इन द इन्फीरियर मियाटस, म्हणजे लॅटरल वॉल ऑफ नोज मध्ये होल केलं जातं, आणि देन यू ट्राय टू पुश द फ्लुइड थ्रू दिस नॅचरल ओरिफाईस. वेट, आय विल व्हॉट आय विल डू, आय विल क्लॅरिफाय दिस इमेज फॉर यू अ बिट अँड देन आय विल एक्सप्लेन यू. सी दिस, दिस वॉज युअर नोज. वेट, वी विल यूज ब्लॅक कलर. दिस वॉज युअर नोज कॅव्हिटी. ओके, हिअर इज युअर, आय मीन दिस, one second, this is your this is your maxillary. What you do, I cannot show you in 3D in this 2D, but this is a lateral wall. So you make a hole here. Okay, antral puncture, antrum of the nose is punctured, and what you do, you try in the inferior meatus, in the inferior meatus you make a hole and you try to push this fluid through this natural orifice. Alag lakshat tumhala, you try to push. See, this was the inferior concha, middle concha, superior concha. Tar tumhi inferior concha madhe hole karun ithun lateral wall madhe, mhanje baherun tya side na, okay, and then you try to push this fluid outside from this. Here bulla ethmoidalis is there, below that you have the hiatus semilunaris, and in the posterior most part of the hiatus semilunaris you have the opening of this maxillary sinus. So by putting by making a hole in this inferior concha, you try to push this fluid outside through this natural orifice. This is antral approach. If you talk about Caldwell look approach, you do what, you make a opening in the canine fossa through the vestibule of your mouth and deep to your upper lip. Upper lip cha deep तुम्ही वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ मध्ये, वेन यू विल लर्न अबाउट ओरल कॅव्हिटी यू विल अंडरस्टँड व्हॉट इज वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ, अँड कॅनाईन बोनच्या तिथे कॅनाईन फोसा, अँड यू मेक अ ओपनिंग फ्रॉम देअर अँड यू ट्राय टू ड्रेन इट फ्रॉम बिलो. इथे वेट, आय विल इरेज दिस अँड अगेन आय विल शो यू. वेट, जस्ट नाउ आय वॉज टेलिंग यू, सो सपोज दिस इज युअर कॅव्हिटी, सो हिअर इज युअर सायनस, हिअर इज युअर हार्ड पॅलेट. तो इफ ये बीच में इधर तुम्हारे इनसाइजर टीथ, दिस इज योर कैनिन, ओके, एंड हियर कैनाइन फोसा, यू मेक, यू ड्रेन इट फ्रॉम हियर, यू ड्रेन इट फ्रॉम हियर, आई विल यूज रेड येलो कलर, यू ड्रेन इट फ्रॉम हियर, कैनाइन फोसा मध्ये होल करून यू ड्रेन इट फ्रॉम हियर. दिस इज कॉल्ड एज कॉल्डवेल लुक ऑपरेशन, यू कॉल्ड इट एज कॉल्डवेल लुक ऑपरेशन. सो यू अंडरस्टूड. ओके, वन मोर थिंग इज रेफर्ड पेन, रेफर्ड पेन, referred pain can happen from ethmoid air sinus to the forehead, as there is a common nerve supply, that is the ophthalmic nerve and the maxillary nerve. Okay, maxillary ophthalmic nerve manje ethmoid air sinus, ethmoidal air sinus, and referred pain from ethmoidal air sinus to the forehead because there is a common nerve supply of ophthalmic nerve.
अलग का लक्षा तुम्हाला इथे वरती एयर साइनस जे इथमॉइडचे इथमॉइडल बोट इयर फ्रंटल एयर साइनस सुपीरियर अँड मिडल इथमॉइडल एयर साइनस आर देअर इयर. सो देयर इज अ कॉमन नर्व सप्लाय दॅट इज ऑप्थाल्मिक नर्व, दॅट इज ऑप्थाल्मिक नर्व. अँड सो यू कॅन हॅव अ रेफर्ड पेन ऑफ दिस इथमॉइडल एयर साइनस इन टू द फोरहेड. सेकंड थिंग रेफर्ड पेन फ्रॉम मॅक्झिलरी एअर साइनस, आय एम युझिंग ब्लू कलर, फ्रॉम दिस मॅक्झिलरी एअर साइनस टू विच रिजन, इन्फ्रा ऑर्बिटल स्किन. इन्फ्रा ऑर्बिटल म्हणजे काय, इथे डोळा आहे, ऑर्बिट आहे, आणि इन्फ्रा ऑर्बिटल रिंग म्हणजे ये वरती म्हणजे मॅक्झिलरी नर्व इज सप्लाईंग द मॅक्झिलरी साइनस एज वेल एज द स्किन ओव्हर अँड द एरिया ओव्हर दिस इन दिस इन्फ्रा ऑर्बिटल रिजन. सो रेफर्ड पेन कॅन बी देअर, अंडरस्टूड, रेफर्ड पेन कॅन बी देअर. अँड वन मोर थिंग इज दॅट any soft tissue you take, there can be carcinoma always. There can always be a carcinoma. So, what can be done is that, I mean, what can happen is that, if there is carcinoma of the maxillary sinus, manje maxillary sinus is lined by the mucosa. All sinuses are secreting, means they are lined by the mucosa. Now, this mucosa, it can have the carcinoma. Okay, whatever is the stimulus. This mucosal lining can have carcinoma. And if, now as you know that this air sinus is very much, you know, this air sinus is very much big. And it is all your, it is, I mean, it is using all, it is in the area of all your, wait. हे तुमच्या गालाच्या आणि इथे चीकच्या फ्रंट मध्ये दिस कम्प्लीट एरिया, हिअर इज द ऑर्बिट. सो व्हॉट विल हॅपन इफ दर इज कार्सिनोमा? नो, इफ दिस कार्सिनोमा ऑफ द मॅक्झिलरी एअर साइनस, इट इज, इफ इट इज गोइंग अप, इन्वेजन ऑफ द ऑर्बिट, सो बल्जिंग ऑफ द आय विल हॅपन. जर का डोळ्याला खालून काही पुश करत असेल तर डोळा बाहेर येणार ना, बल्जिंग ऑफ द आय कॅन हॅपन, दॅट कॅन लीड टू आय प्रॉब्लेम्स, बल्जिंग ऑफ द आय अँड डिप्लोपिया. ओके, ऑब्झॉप्थाल्मोस, जस्ट नाउ वी सॉ नो एक्झॉप्थाल्मोस इज प्रोट्रूजन ऑफ द आय, दॅट इज कॉल्ड एज प्रोप्टोसिस, PROPTOSIS, प्रोप्टोसिस. अँड देन इफ इट इज, इथे खाली ओरल कॅव्हिटी आहे, इफ इट इज इन्व्हेडिंग इन द फ्लोर, देन व्हॉट कॅन हॅपन, बल्जिंग अँड अल्सरेशन ऑफ द पॅलेट कॅन हॅपन. अँड इफ इट इज गोइंग फॉरवर्ड समोर, तर इट विल ऑब्लिटरेट द केनाइन फोसा अँड प्रोड्यूस अ स्वेलिंग ऑफ द फेस. आलं का लक्षात? इफ इट इज कमिंग इन फ्रंट, इट विल ऑब्लिटेट द केनाइन फोसा अँड इट विल प्रोड्यूस द स्वेलिंग ऑफ द फेस. अँड इफ इट इज हॅपनिंग बिहाइंड, पॅलेटाइन नर्व इन्वॉल्वमेंट विल हॅपन अँड प्रोड्यूस सिव्हिअर रेफर्ड पेन टू द अपर टीथ. अंडरस्टूड? सो इन ऑल द फोर डायरेक्शन, वरती, खालती, पुढे आणि मागे. बाजूला काय, इफ इट इज हॅपनिंग दिस वे, इट विल मीडियली, इफ इट इज हॅपनिंग, इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द नेझल कॅव्हिटी अँड देर कॅन बी एपिस्टॅक्सिस. यू नो, इन दिस लोअर रिजन ओनली वॉट यू आर हॅव्हिंग, the artery of epistaxis, there is a spinopalatine artery we discussed one day back, and epiphora can also happen. And if it is laterally happening, swelling of the face, again palpable mass here in the labiolinguinal groove, gingoinal groove. This labiogingoinal groove we will discuss when we will be talking about the parotid gland and its duct. Okay, and one more thing, frontal and ethmoidal air sinusitis, it is happening. Now this all we discuss about maxillary air sinusitis, I mean maxillary sinusitis, and if there is a carcinoma in the lining of the maxillary sinus. Now if it is there in the frontal and ethmoidal sinusitis, agar ho gaya frontal and ethmoidal air sinusitis, if it is happening, then it can cause edema of the lids secondary to the infection of the sinus. Means what? Lids means what? Eye. Now you saw this frontal, इथे डोळा आहे ना समोर, जस्ट नाउ वी सॉ दिस ऑल्सो डायग्राम, हियर इज द मॅक्झिलरी सायनस, हियर इज द फ्रंटल सायनस, राईट, अँड हियर इज युअर ऑर्बिट. तर इथमॉडल आणि इथमॉडल बोन तर इथे मागे, इथमॉडल एअर सायनस इथे आहे. फ्रंटल अँड इथमॉडल सायनसायटिस, दिस कॅन कॉज लिड का स्वेलिंग, आयलिड स्वेलिंग, दॅट इज इडिमा सेकंडरी टू द इन्फेक्शन इन द फ्रंटल अँड द इथमॉडल एअर सायनस, देर कॅन बी आयलिड स्वेलिंग. अँड देर इज वन चार्ट ऑफ द sinus, their arterial supply, venous drainage and nerve supply. I will not discuss it here because it is very simple as that of the, see, I will just give you a hint. Yesterday we learned, day before yesterday we learned about the nasal septum and the nasal lateral wall.
व्हाट वी सॉ एक्सेप्ट फॉर दिस क्वाड्रेंट दैट इज पोस्टेरो इन्फीरियर. वी डिवाइडेड द नेजल सेप्टम एंड द लैटरल वॉल ऑफ द नोज इनटू फोर क्वाड्रेंट्स. सो दिस इज सुपीरियर, दिस इज एंटीरियर, दिस इज इन्फीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर. नाउ हियर एक्सेप्ट फॉर दिस पोस्टेरो इन्फीरियर यू नो दिस दिस क्वाड्रेंट द रेस्ट ऑफ द supply, that is arterial blood supply or nerve supply, venous drainage is same in both the halves, lateral wall of the nose and the nasal septum, but arterial blood supply and the this nerve supply, this is only differentiating, it is different only in this quadrant, posterior inferior quadrant. Rest all it is same in this quadrant, in this whatever is there, I will mark it with yellow. Wait. Whatever is there in this quadrant, that is there here. Whatever is there in this quadrant, that is here. And whatever is there in this quadrant is here. Almost, almost. Only this red quadrant which I have crisscrossed is differing. So, upon nakacha, ithe frontal nasal air sinus, frontal air sinus. So, here you will have the supraorbital artery. And supraorbital vein and supra ophthalmic vein. Do remember we drew the facial vein, the venous drainage like this. They are going, this is supraorbital, this is supra ophthalmic. They are going and draining into the cavernous sinus. Oh, I am sorry. Draining into cavernous sinus, going in emissary vein, niche lateral, pterygoid plexus, and then deep facial vein, and this way it is going. Do recall this superficial facial, deep facial coming, going into the further into the internal jugular. This is how this drainage is happening. So, dolacha bajula ithe varti sarka frontal air sinus asel. I mean, you don't. So, just one second. So, concentrate now on this diagram. Oh, this diagram. Okay. So, if this is there, here frontonasal sinus, frontal air sinus is there. So, ye region ke jo nerve supply, artery supply, blood supply hai, wo they will supply to the frontal air sinus here. Now maxillary sinus is beside. So greater palatine arteries and this other. Sphenoidal is behind. So here we saw this is supplied by ethmoidal, anterior and posterior ethmoidal. I will use the blue color. Anterior and posterior ethmoidal nerve arteries, they are supplying. Okay. So this is how that respective area is supplied by. This we saw pterygopalatine ganglion. Do you recall? Pterygopalatine ganglion, which region? This I will use green color, this region and this region, pterygopalatine ganglion. So in the ethmoidal sinus, which are middle and posteriorly present behind, this is by pterygopalatine ganglion, branches of the pterygopalatine ganglion. So it is very much related. I will share the photograph with you, and if you want, I can share you the picture and on the group, and you can just go through it. So I hope you have understood. We have explained in detail about the sinuses, paranasal sinuses, the applied anatomy, why we are studying them. Thank you, one and all. So if you have any doubts, you can ask me. Thank you. Welcome.